सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाइंड है या कची मिसरी जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार एलानी जी के कार्यालय में आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में आमदार कुमार एलानी, उल्लासनगर बीजेपी अध्यक्ष जमनू पुरस्वाणी, प्रदीप रामचंदानी और अमित वाधवा ने पत्रकारों को बताया कि उल्लासनगर शहर के व्यापारियों की जानकारी और उनके मोबाइल नंबर अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी को देने वाला और कोई नहीं पंकज त्रिलोकानी है, जो ओमी कालानी का करीबी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी भी है। वही सुरेश पुजारी का खबरी है और यह बात खुद सुरेश पुजारी ने उल्लासनगर के कोर्ट को भी बताई है, जहां अमित वाधवा को फोन पर पैसों की डिमांड करते सुरेश पुजारी खुद बोल रहा है कि पंकज मेरा खास है। ऐसी एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। हेलो, हाँ अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ आ रहे हैं, बोली बोली। कल बोले ना, मैं तेरे को समझ गया है ना, तू अभी ज्यादा डिटेल में तेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। अभी भाई सब जरूरत नहीं है, खाली मेरा आपको एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि आपको आपको से जो फेवर लेना है वो फेवर मैं आपको देता हूँ, मेरा काम कराओ। अब क्यों ये आदमी जो है भाई, पहले भी आपके नाम पे, अभी मैं क्या बताऊँ किस किस के लिए आप बोल रहे हैं, थोड़ा मेरे को वो स्पष्ट कीजो। और जो आप इनके फेवर में बोल रहे हो तो भाई ये लोग बहुत निचड़ लोग है। नहीं निचड़ लोग रहेगा या कुछ भी रहेगा यार, लेकिन भाई तो मेरा कॉन्टेक्ट में है ना वो लोग, उससे क्या मतलब है तेरा? भाई तो तेरे को पहला बोला था मेरा पेमेंट कर दे, मैं ट्रांसफर कर दे, तो पेमेंट देने को तैयार ही नहीं है मेरे को। भाई मेरे को आप नाम स्पष्ट तो करो, मैं भाई मैं सब नाम समझ रहा हूँ। बात सुन पाएगा तो लोग तेरे को मालूम है कैसे है, निश्चित है निश्चित है कुछ भी है। जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ उनका पेमेंट छोड़ता हूँ तो छोड़ दे ना, फिर कैसे नहीं उन लोग के पीछे पड़ा है, तू लड़ सकता है क्या बता मेरे को? नहीं भाई अभी चार साल से मैं परेशान तो हुई उससे। तो अभी मैं तेरे को अभी बीच में बिगिर के मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो तेरे को समझ में आना चाहिए ना अभी क्यों बात कर। अभी तू पैसा इसके लिए मैं तेरे को बात कर रहा हूँ, अभी तुम इसके लिए बोल रहा हूँ, पैसे का मैटर है जो भी क्लोज कर दे, समझ गया? अभी तेरे को उसका नाम भी बता रहा हूँ मैं, अब तो तेरे को मान लू मैं अभी सब कुछ टोटल तो तेरे को बता दिया मैंने, भाई मैं पंकज बोल के, समझ गया? हाँ। वो उसका नाम है पंकज, पंकज बोल के जानता है ना तू उस बच्चे से, पंकज त्रिलोकानी। पूरा तो इंडिकेशन दे दिया मैंने। क्या बोला? पंकज त्रिलोकानी। हाँ पंकज त्रिलोकानी, और उसके साथ में और तीन जन है, समझ गया? वो पंकज एकदम खास है अपना, वो पंकज एकदम अच्छा मेरा कॉन्टेक्ट में है, समझ गया? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ तेरे को, अभी तेरे को मालूम है जब सामने मिले तू लड़ ही नहीं सकते तो चुपाई के लिए बेस्ट कर रहा है। उल्लासनगर शहर के कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी ने फिरौती के लिए फोन किया था, जहां इन लोगों ने सुरेश पुजारी के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। पंकज द्वारा बताए गए लोगों को सुरेश पुजारी उनको फिरौती के लिए फोन करता और जान से मारने की धमकी देता, ऐसी जानकारी इस पत्रकार परिषद में दी गई। आइए जानते हैं आमदार कुमार एलानी, प्रदीप रामचंदानी और जमनू पुरस्वाणी इस पूरे मामले पर क्या बता रहे हैं। देखिए जो कोर्ट में सुरेश पुजारी के इंक्वायरी में जो हमें पंकज का जो नाम आया है कि उल्लासनगर का जो भी यहाँ का मैसेजेस, किससे पैसा मांगना है, किस किस का नाम देना है, उसमें पंकज ने जो यहाँ उल्लासनगर वासियों के व्यापारियों के नाम बताए हैं सुरेश पुजारी जी को, वो एकदम उल्लासनगर के लिए दुखद घटना है। आज ऐसे ऐसे व्यापारी, बहुत सारे व्यापारियों ने पैसे भी दिए, बहुत सारे व्यापारी, हमारा एक सच्चू केबल वाला उसका मर्डर भी हो गया, उसके अलावा उनके साथ में ही रहने वाले कालानी परिवार में जो लोग साथ में घूमते फिरते हैं, जो रहते हैं, उनसे भी उनके नाम देके
पैसे मांगने की डिमांड की गई सुरेश पुजारी ने। आज उल्लासनगर में उन्होंने कोशिश की कि एक खौफ का माहौल हो, डर का माहौल हो, और उन्होंने ये सोचा होगा कि ये उल्लासनगर वासियों को मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरा नाम ना आएगा। लेकिन आज पुलिस डिपार्टमेंट में जो सुरेश पुजारी को पकड़ के आज सलाखों के पीछे रखा है, और कोर्ट में जो उसने कबूला के उल्लासनगर में से जो भी मुझे रिपोर्ट मिलती थी या जो भी मुझे फ़ोन कॉल आते थे या जिसके जिसके लिए बोला जाता था, और मेरे साथ में पंकज जी बंधा हुआ था, आज वो कालानी परिवार के साथ में उनके TOK में शामिल है और उनका पद है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मांग करूंगा कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और उल्लासनगर में जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर 2 या 4 5 केसेस है, उनको तरीपार किया जाए, कायदे से कार्रवाई की, जो कायदे से में बैठता है, अगर तरीपार का है कायदा तो तरीपार किया जाए। आज यहाँ पे कायदा स्ट्रिक होगा तो क्राइम नहीं बढ़ेगा, लेकिन कायदा स्ट्रिक नहीं होगा तो क्राइम बढ़ते रहता है, व्यापारियों में से एक डर का माहौल रहता है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, होम डिपार्टमेंट से मांग करूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं ऐसी लिखित में कंप्लेन दूंगा। देखिए, सुरेश पुजारी गैंगस्टर का कोर्ट के अंदर खुल्लम खुल्ला पंकज त्रिलोकानी का नाम लेना बहुत ही एक अजीब गरीब घटना है। इस शहर के TOK पार्टी से जुड़े हुए लोगों को कई बार फ़ोन आते थे, सुरेश पुजारी उनसे रंगदारी वसूल करने के लिए फ़ोन करते थे और कंप्लेन होती थी, लेकिन ज़्यादातर नाम जो हैं उसी पक्ष के लोगों के हैं, उसी परिवार से जुड़े हुए लोगों के हैं जो पंकज त्रिलोकानी जिससे जुड़ा हुआ है। और आज पंकज त्रिलोकानी का जो कार्यालय है वहाँ पर भी उनका मुख्य कार्यालय बना हुआ है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूँ। एक छोटा सा पक्ष बनाकर इस प्रकार गुंडों को अपने पक्ष में रख के, जैसे प्रदीप रामचंदानी जी ने बताया, जितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर कई केस दर्ज हैं, सबके सब एक ही पक्ष से होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यह एक बात जो है, इस पर पुलिस प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और इसकी छानबीन करनी चाहिए कि किस प्रकार राजनीति से जुड़कर, शहर के लोगों से जुड़कर, उनके नाम बताकर उनसे पैसे वसूल करवाए जाते हैं। तो मैं इसका पूरा का पूरा आरोप ऐसे परिवार को दूंगा जो छोटा एक पक्ष बनाकर, लोगों के मसीहा बनकर, अपने ही लोगों के पैसे गुंडों को दिलवाते हैं। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी पक्ष की तरफ से, हमारे आमदार कुमार ऐलानी जी और हम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी जो आज के विरोधी पक्ष नेता हैं, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, उनसे ऐसा निवेदन दूंगा उनको कि पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए और ऐसे क्रिमिनल लोग जिनके ऊपर कई केस दर्ज हैं, जो फरार हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में फरार हैं, फिर भी इस शहर में घूम रहे हैं, तो यह सीधा का सीधा या तो फिर पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है। फरार व्यक्ति को इस शहर में कई बार देखा गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस शहर की सुरक्षा हमारे लिए प्रमुख है। इस प्रकार का क्राइम, इस प्रकार की घटनाएं अगर इस शहर में बढ़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। हम बहुत जल्द थाने के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाले हैं, उल्लासनगर के उपायुक्त और ACP उनसे भी मुलाकात करेंगे और ऐसे लोगों के ऊपर मकोका लगाने के लिए या उन्हें तड़ी पार करने के लिए मांग करेंगे। जो बातें आप बता रहे हो, ये जो आप बातें बता रहे हो, अगर आप इतिहास को पन्ने उलट कर देखेंगे, उल्लासनगर के राजनीति में अपराधीकरण कालानी परिवार से शुरू हुआ था और आज भी वह बदस्तूर चालू है। अगर सूची देखी जाए, अधिकतर नाम जिसमें
पार्टियों के जुड़े हुए लोगों के हैं, तो इस बात की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता कि यह एक नूरा कुश्ती हो ओमी कालानी और सुरेश पुजारी के बीच में। यह तो एक जांच का विषय होता है, पुलिस ने जांच करनी चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मांग रहेगी। लेकिन इस बात की शंका को, इस बात के संदेह को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि इस पूरे किस्से में कालानी परिवार शामिल न हो। देखिए, जिनके नाम सामने आए, जिन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की, उनके नाम इस तरीके से हैं: सुमित चक्रवर्ती, अमित वाधवा, हरेश कृष्णानी, सच्चू केबल, राजेश टेकचंदानी, नरेंद्र कुमारी ठाकुर, एमके वाइंस, विक्की वाइंस, महेश सुखरामानी। ये नाम जिन लोगों ने पुलिस में शिकायत की। और इतने कितने शरीफ लोग होंगे जिन्होंने चुपचाप से यह मामला अपनी जीवन से समझौता न करते, पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते, पैसे दिए होंगे। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि सारे नाम ढूंढ कर निकाले और ऐसे अपराधी जो अपराध करते हैं, जो खबर देते हैं और जो खबरियों को आशीर्वाद देते हैं, सबके ऊपर कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।